दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। दोस्तों इस यादगार गाने को सुनने के बाद आपके भी जहन में साल 1994 में आई सलमान खान स्टार और ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन की याद तो आ ही गई होगी, जिसमें सलमान खान के साथ साथ कई सारे टैलेंटेड कलाकार भी थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को बड़े ही लाजवाब तरीके से पर्दे पर पेश भी किया था और इस फिल्म को अपने टैलेंट के दम पर यादगार बनाने के साथ साथ अपने करियर में भी चार चांद लगाए थे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के बारे में नहीं बल्कि उन कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों यानी कि उनके किड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप आज से पहले कभी जानते होंगे। इसलिए आपकी जानकारी को और ज्यादा इनहांस और बढ़ाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इन कलाकारों के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर एक, माधुरी दीक्षित। प्रेम की प्रेमिका निशा का किरदार निभाती हुई अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नजर आई थी फिल्म में, जिन्होंने अपने इस किरदार के साथ लोगों से काफी ज्यादा तारीफें भी हासिल की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1999 में अमेरिका के सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ शादी रचाई थी, जिनकी इस शादी से आज इन्हें दो बेटों का आशीर्वाद भी मिल चुका है, जिनमें इनके बड़े बेटे का नाम एरिन है जो कि 17 साल के हैं और धीरूभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। वही बात कर लेते हैं इनके छोटे बेटे जिनका नाम रायन है जो कि अभी 15 साल के और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। नंबर दो, आलोक नाथ। फिल्म में राजेश और प्रेम के चाचा जी कैलाश नाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे आलोक नाथ, जो कि फिल्म में एक चाचा होने के बावजूद प्रेम और राजेश को अपने बेटों की तरह ही पाल पोसते हैं और इसी के चलते तो दर्शकों ने इनके इस किरदार को काफी ज्यादा प्यार भी दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनके दो बच्चे हैं जिनमें बेटी जुन्हाई और बेटे शिवांग नाथ के नाम शामिल हैं, जो कि लाइमलाइट से दूर रहते हैं इसीलिए उनकी कम ही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन खबरों की माने तो इनके बेटे जुन्हाई पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, वहीं इनके बेटे शिवांग अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर तो कभी किसी और वजह को लेकर वो हमेशा ही लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं। नंबर तीन, मोहनीश बहल। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता मोहनीश बहल का भी शामिल होता है जिन्हें इस फिल्म में प्रेम के बड़े भाई राजेश की मुख्य भूमिका निभाते हुए पर्दे पर देखा गया था, जिन्होंने अपने इसी किरदार से दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा प्यार और सराहना हासिल की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में तो आपको बता दें दोस्तों कि इनकी दो बेटियां हैं जिनमें प्रनूतन बहल और कृषा बहल के नाम शामिल हैं। अगर बात की जाए इनकी दोनों बेटियों के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी बेटी प्रनूतन बहल पेशे से एक एक्ट्रेस हैं जो कि साल 2019 में आई फिल्म नोटबुक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख चुकी हैं। वहीं इनकी छोटी बेटी कृषा अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं जो कि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं, लेकिन इनकी दोनों ही बेटियाँ दिखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत हैं जैसा कि आप इनकी तस्वीरों के जरिए भी देख ही पा रहे होंगे। नंबर चार, रेणुका शहाणे। प्रेम की भाभी और राजेश की पत्नी पूजा का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री रेणुका शहाणे नजर आई थी, जिन्होंने इस फिल्म में अपने हर एक रिश्ते को काफी ज्यादा महत्व और इम्पोर्टेंस दी थी और इसी के चलते दर्शकों ने इनके इस किरदार को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। वहीं बात करें इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2001 में बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा से शादी भी रचाई थी, जिनसे आज इन्हें दो बेटों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है, जिनमें शौर्यमन और सत्येंद्र का नाम शामिल है जो कि दोनों ही अभी काफी ज्यादा छोटे हैं और अपनी पढ़ाई में बिजी ही रहते हैं। लेकिन स्टार किड्स होने के चलते इनकी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिनमें ये काफी ज्यादा क्यूट नजर आते हैं। नंबर पांच, प्रिया अरुण। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में अपना नाम शुमार करने वाली अदाकारा हैं प्रिया अरुण, जिन्होंने फिल्म में हाउस हेल्प चमेली का किरदार पेश किया था और साथ ही अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल की थी। वहीं अगर बात करें इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री प्रिया अरुण के बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1998 में लक्ष्मीकांत बेर्डे से शादी की थी, जो कि शादी के कुछ सालों बाद ही दुनिया को अलविदा कह गए थे, इसीलिए इनके दोनों बच्चों की परवरिश इन्होंने अकेले ही की है। वहीं बात कर लेते हैं इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनके बेटे अभिनय आज 23 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जो कि आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम करते हैं। वहीं इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम स्वानंदी है, जो कि वो पेशे से एक मॉडल है। तो दोस्तों आपको इनमें से किस कलाकार के बच्चों के बारे में जानकर सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ऐसे दिलचस्प वीडियोस और खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।